हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदिति होम बेकर। आज हम बनाने वाले हैं फ्रेश कोकोनट का हलवा। मैंने दो कोकोनट लिए थे और उसको ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद मैंने वेट किया था तो उसका वेट 500 के आसपास का था। उसके बाद मैंने लिया है मिल्क, जो मैंने 300 ml लिया है। 200 ग्राम मैंने चीनी ली है। ये मैंने मिल्क पाउडर लिया है 3 to 4 टेबलस्पून। और ये मैंने 70 ml घी लिया है। गार्निशिंग के लिए मैंने रोस्टेड आलमंड लिए हैं। सबसे पहले हम पैन को हीट करेंगे और उसके अंदर मैंने ग्रेट किया कोकोनट डाला है। कोकोनट डालने के बाद मैं उसमें मिल्क ऐड करूंगी, जो मैंने लिया है 300 ml। अच्छे से स्टर करेंगे। और हमें फ्लेम को फास्ट रखना है। दूध में एक उबाल आने तक हमें फास्ट रखना है फ्लेम को। बाद में हमें लो टू मीडियम पर कर देना है। हो जाने के बाद हमें इसी में चीनी डालनी है। ये मैंने 200 ग्राम शुगर लिया हुआ है। शुगर डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। डालने के बाद हमें 10-15 मिनट के लिए इसे कुक करना है, जब तक ये ट्रांसपेरेंट हो ना जाए तब तक। ये सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाने के बाद हम इसके अंदर मिल्क पाउडर या तो मिल्क मेड यूज करेंगे। देखो फ्रेंड्स, अब ये कोकोनट सॉफ्ट भी हो चुका है और ट्रांसपेरेंट भी हो चुका है। अब हमें 5 मिनट और टाइम लगेगा। चीनी का सारा पानी एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 2 चम्मच मिल्क डाल के उसकी पेस्ट बना ली है। मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इसे स्टर करेंगे। जब आपको ये लगे कि ये मिश्रण ड्राई हो चुका है, तब उसके अंदर हम घी ऐड करेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी डालने के बाद फ्रेंड, हमारे हलवे में एक अच्छी सी साइन आएगी और उसका टेस्ट भी और बढ़ जाएगा। घी डालने के बाद हम हलवे को 5 मिनट और कुक करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा हलवा रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में लेंगे।
प्लेट लिया है जिसमें मैंने हलवे को सेट कर लिया है। 10 मिनट के बाद हम चाकू को घी से कोट कर लेंगे, बाद में ऐसे हम उसे कट करेंगे। आधे घंटे के बाद आप इसके पीस निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, और ये हमारा हलवा रेडी है। ये हलवा बहुत ही सॉफ्ट और यमी लगता है फ्रेंड्स, इसे आप उपवास में भी बनाकर खा सकते हो। आप एक बार इसे ज़रूर बनाना फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर से करना फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो तक बाय फ्रेंड्स।